हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली हॉलीडेज का लास्ट वीकेंड है और फिर स्कूल खुलने वाले हैं, तो आज जा रहे हैं हम सब द वन एंड होली हिल स्टेशन वेयर व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। यस, यू हर्ड इट राइट, completely pollution free hill station. So we have started from Mumbai at around 4 PM in the evening. और आज ना फ्राइडे है और दिशा और मैं तो बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए कि बिना व्हीकल के लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, सामान कैसे लेके जाते होंगे। सो हम जा रहे हैं माथेरन। Now we have reached Aman Lodge और cars यहाँ तक ही allowed है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो हमने यहाँ पे कार पार्क कर दी है। अब यहाँ से 3 kilometers ऊपर माथेरन है। So there are 2 options, horses and the second is trekking. We opted for the second one. We thought evening के 7 बज रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो नज़ारों का मज़ा लेते हुए जाते हैं। बट वी हायर्ड अ कूली भैया सामान उठाने के लिए। सो दिस इज़ आर होटल प्रेमदीप। काफ़ी बड़ा गार्डन है स्टार्टिंग में ही, फिर लॉट्स ऑफ झूलास भी। दिस इज़ 3 bed वाला रूम एंड इट्स प्रिटी कोल्ड, तो जैकेट्स पहन लेते हैं। मार्केट It's just 2 minutes walking from the hotel. अभी हम सब डिनर करने आए हैं रामकृष्णा प्योर वेज रेस्टोरेंट में। स्टार्टिंग सम स्वीट कॉर्न सूप क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है एंड द सूप इज रियली यमी। आफ्टर हैविंग सिंपल इंडियन डिनर वी केम टू प्ले दिस बैलून शूटिंग गेम। बैक टू दी होटल। और यहाँ पे और भी बहुत सारी फैमिली स्टे करने आई है एंड वी ऑल किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन एंड हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। गुड नाइट एंड डोंट लेट द बेड बग्स बाइट यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम माथेरन। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और बहुत ठंडी हो रही है, इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। हम फ्रेश हो गए हैं और अभी नहाने का मन नहीं है, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर नहाएंगे। वी बोथ आर लविंग दिस हैमॉक। जब तक मम्मा रूम से आ रही है, हम दोनों हैमॉक पर झूलने का मज़ा ले रहे हैं। और आपको पता है हमारा माथेरन आने का ना कोई प्लान नहीं था, बस मॉर्निंग में पापा ने बोला लेट्स गो एंड होटल सर्च करना शुरू किया एंड बाय चांस बुकिंग भी मिल गई और हम आ गए। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन माथेरन फॉर ब्रेकफास्ट, केतकर रेस्टोरेंट। अगेन दिस प्लेस इज प्योर वेज, इट्स सुपर रीजनेबल, एवरीथिंग इज बिलो 50-60 rupees। सो वी ऑर्डर्ड पोहा इडली एंड उत्पम, इट इज सो यमी। प्लान ये था कि हम ब्रेकफास्ट करके होटल में जाकर नहाएंगे, बट प्लान चेंज हो गया है और हम चारों निकल गए हैं ट्रैकिंग के लिए। एज द इंटायर हिल स्टेशन इज लश ग्रीन विद ब्यूटीफुल व्यूज, इस शॉप से ना डॉग्स के लिए बिस्किट्स ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स एंड मंकीज हैं। अभी तो बस हम चलते ही जा रहे हैं एंड इवन वी डोंट नो वेयर आर वी गोइंग। सब लोग बोल रहे हैं शारोलेट लेक इज ब्यूटिफुल, सो लेट्स गो देर। सो आफ्टर ट्रेकिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हम लेक पर पहुंच गए हैं। अमेजिंग इजंट इट।
का द व्यू फ्रॉम द पीक। यहाँ टेलीस्कोप से कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। एक तो नीचे आदिवासियों की विलेज है। यहाँ से हम लोगों ने एक लकड़ियों की स्टेयर्स बनाई हुई भी देखी, जिस पे चढ़ के बी हाइव से शहद निकाला जाता है और फिर आदिवासियों मार्केट में सेल करने आते हैं। आफ्टरनून में गर्मी हो रही है, लेट्स हैव रिफ्रेशिंग शुगरकेन जूस। चलो कुछ पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं और लेक में डालने लगते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को भी करने में बहुत मजा आता होगा। लेक के सामने ही शिवजी का टेंपल है, तो वो भी दर्शन कर लेते हैं। ये देखो इतने सारे डॉग्स, पापा इनको बिस्किट खिला रहे हैं और हमें तो बहुत डर लग रहा है। सी सी बटरफ्लाई दिशा तो बैठ ही गई, आ ही नहीं रही है। नेक्स्ट हम आ गए हैं इको पॉइंट पर। चलो ये बॉल वाला गेम खेल लेते हैं। इस गेम में मैंने जीती है फ्रूटी। नाउ वी आर गोइंग बैक फ्रॉम शॉर्टकट और हम आ गए हैं सब्जी मंडी में। अरे लंच खाने का टाइम भी हो गया। अगेन वी आर एट रामकृष्ण रेस्टोरेंट एंड हैविंग यमी जीरा आलू एंड सेफ टमाटो विद चपाती। माथेरन की चिक्की बहुत फेमस है। दिस प्लेस इज नाइस, जॉली चिक्की सेंटर, सो वी आर बाइंग सम चिक्कीज फ्रॉम हियर। गर्मी है, आइसक्रीम भी हो जाए। पापा मम्मी आर ट्राइंग कच्चा आम एंड कोकम। देन वी आर बैक इन द होटल। हम नहाकर थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि इतनी ट्रैकिंग करने के बाद ना थक गए थे बहुत। वैसे माथेरन वॉकिंग एक्सप्लोर करने में ही मज़ा आता है और हॉर्स पे नहीं, पर इवनिंग में दृश्य और मेरा मन था कि हम हॉर्स पे बैठे, सो वी आर टेकिंग अ राउंड ऑफ मार्केट ऑन द हॉर्स। अरे मंकी और डॉग की लड़ाई हो रही है। देखो यहाँ तो सारा सामान ले जाने के लिए भी हॉर्सेस यूज होते हैं। नाउ इस एक्सप्लोर मार्केट चलो ये कैटरपुल ले लेते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलेल। अब पापा हमें इसको
चलाना सिखा रहे हैं। इवनिंग में हम लोग कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, मार्केट को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो कुछ चटपट स्नैक्स खा लेते हैं। फर्स्ट इज भेलपूरी, और ये सब वेंडर्स इवनिंग में मार्केट में अपना स्टॉल लगाते हैं। दिस इज यम्मी। और यहाँ बन रहा है गर्मा गर्म वेजिटेबल चीज सैंडविच। ये है कदम्स की फेमस वड़ा पाव। इस स्टॉल पर ना मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम पर ही लाइन लगी रहती है। भैया सामने ही फ्रेश वड़ा बनाते हैं। वड़ा पाव इज नाइस बट वी फाइंड इट सुपर स्पाइसी। आगे जाकर पार्क के सामने हमने लिए हैं बटर कॉर्न्स। रात हो गई है एंड वी हैव कम टू दिस प्लेस Sakwal Refreshments। They have amazing Bonvita milk। पहले वो पीते हैं क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है। Milk is made using coffee machine जो पहले शादियों में होती थी and it's yum। When we order two dosas, four of us shared। वैसे holidays में दो ही तो काम होते हैं, खाना और घूमना। We are back to our hotel। अभी नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर स्विंग झूल लेते हैं। Once again, good morning from Mathiran। आज हमने होटल से चेकआउट करना है, सो रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस केतकर रेस्टोरेंट। साकुल पर बोनविटा मिल्क वॉज वेरी गुड, तो आज भी हम आ गए हैं मिल्क पीने। इवन एम्बियंस इज रियली नाइस, इट्स लाइक अ स्मॉल कैफे अगेन प्योर वेजिटेरियन। अरे देखो मंकीज भी पार्ले जी के बिस्किट्स खा रहे हैं। अभी होटल में वापस आकर पापा मैं और दर्शा बैडमिंटन एंड क्रिकेट खेल रहे हैं एंड मॉम इज पैकिंग स्टफ। छोटा सा बच्चा कितना क्यूट है ना। पास में खंडाला पॉइंट है तो हम वहां गए थे नजारे का मजा लेने। Again, gun shooting, we are loving it so much। Papa is saying
गुआवा खा लो, पर हॉलीडे पे आकर इतना हेल्दी फूड कौन खाता है? वी रिफ्यूज्ड एंड टुक कुल्फी। मैंने मैंगो कुल्फी ली और दृश्य ने पान, एंड दैट टू फ्रॉम द सेम रेस्टोरेंट साकवल। ये लोग ना कुल्फी खुद बनाते हैं। वापस आकर अब चेकआउट करने का टाइम हो गया है, सो वी आर एट माथेरन स्टेशन। यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है नीचे जाने के लिए, जहाँ कार पार्किंग है। आज के टाइम हम लोगों ने ट्रैक करके आए थे, सो क्योंकि तब ट्रेन वॉज नॉट अवेलेबल, लास्ट ट्रेन इज़ एट 5:45 और हम उसके बाद पहुँचे थे। कुछ चिप्स ले लिए हैं ट्रेन के लिए, एंड ट्रेन जर्नी इज गोना टेक जस्ट 15 मिनट्स। Reached parking and going to Mumbai. That's all for today's vlog. If you like this video, please subscribe to my channel. Bye bye, and like karna mat bhulna. Bye.